हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेड जाइंट स्टार बेटलग्यूज। तो यहाँ पर हम लोग बेटलग्यूज, जो कि आपका एक रेड जाइंट स्टार है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर पता चला है जो हमारा मैसिव जो रेड जाइंट स्टार है बेटलग्यूज, सजेस्ट किया जा रहा है दैट इट इज़ इन इट्स लेट कार्बन बर्निंग स्टेज। अब लेट कार्बन बर्निंग स्टेज का मतलब क्या होता है, यानी कि नियर द एंड ऑफ इट्स लाइफ, यानी कि हम लोगों को कुछ टाइम में इसका जो अंत है वो देखने को मिलेगा। एंड इट मे ऑल्सो एक्सप्लोर्ड एज अ सुपरनोवा विद इन अ फ्यू डेकेड्स। तो विद इन फ्यू डेकेड्स में हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक्सप्लोर्ड कर जाए, कैसे, एज अ सुपरनोवा। तो अभी रिसेंटली जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक हमें इसके बारे में यही जानकारी मिली है, ठीक है, कि ये अपनी लेट कार्बन बर्निंग स्टेज पर है, ठीक है। अब इसके साथ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, आइदर इट विल एंड, मतलब जो इसकी एंड जो लाइफ है वो या तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है, विद इन अ फ्यू डेकेड्स। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वी गोइंग टू कवर, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी ये जो रेड जाइंट स्टार है ये क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे वीडियो के अंदर कवर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम 2023 का, ठीक है। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। जब भी आप इसमें एनरोल करोगे आपको यहाँ पर एक कोड का इस्तेमाल करना है विच इज़ AMS लाइव, और ये यहाँ पर आपको देगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, जिससे कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए आरंभ बैच, ठीक है। आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। फिर है यहाँ पर आप लोगों के लिए लक्ष्य बैच, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। देन ऑप्शनल बैचेस भी हैं, इनमें भी एनरोल कर सकते हो। बट जब भी एनरोल करोगे आप लोग कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना विच इज AMS लाइव एंड दिस विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। देखिए अभी हम यहाँ पर एक स्टार के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी एक एंड स्टेज जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो ये जो स्टार है ये फॉर्म कैसे होते हैं, देखिए जो स्टार है दे आर बॉर्न फ्रॉम अ डेंस क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेब्यूला। अब ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन की, ये कन्वर्ट करती है हाइड्रोजन को हीलियम में और रिलीज करती है एनर्जी जो कि एमिट करती है आपकी लाइट। सो जो आपका स्टार है वो एग्जॉस्ट करता है इट्स हाइड्रोजन फ्यूल, एक्सपैंड करता है और बन जाता है आपका रेड जाइंट। अब इन दिस फेज ये फ्यूज करता है हीलियम को इनटू हेवियर एलिमेंट्स जैसे कि आपके कार्बन एंड ऑक्सीजन। वहीं पर अगर हम स्मॉलर स्टार्स की बात करें जैसे कि हमारा सन, अब देखिए हम सन को बहुत बड़ा मानते हैं बट इट्स अ स्मॉलर स्टार, ठीक है। तो इवेंचुअली ये क्या करते हैं, ये शेड करते हैं अपनी आउटर लेयर को और ये फॉर्म करते हैं अ वाइट ड्वार्फ, ठीक है। जो लार्जेस्ट स्टार्स हैं आपके दे अंडरगो अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ठीक है, जहाँ पर जो ये कोर कोलैप्स होते हैं, ठीक है, एंड दे ऑल्सो रिलीज एन इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो एक्सप्लोजन है ये डिस्पर्स करता है हैवी एलिमेंट्स को स्पेस के अंदर, और कभी कभी ये रिजल्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूट्रन स्टार या फिर ब्लैक होल, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लाइफ साइकिल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। स्टेलर नेबुला एवरेज स्टार है, फिर यहाँ पर ये बन जाता है, देखो ये एवरेज स्टार रेड जाइंट बन जाएगा, प्लैनेटरी नेबुला, ठीक है, ये आपका वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या फिर आपका ब्लैक होल, ये आपका जब सुपरनोवा होगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो या तो ये आपका ये ब्लैक होल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके की हमें जो साइकिल है वो यहाँ पर देखने को मिलती है इनकी, एवरेज स्टार और मैसिव स्टार आप दोनों की यहाँ पर इजीली देख रहे हो, ठीक है। वो आपका रेड जाइंट बनेगा या आपका सुपर रेड जाइंट बन जाएगा, ऑलराइट। तो इस तरीके की हमें पूरी इसकी लाइफ साइकिल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि स्टार आपका कैसे बॉर्न होता है, ठीक है। सो इट इज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दी, इट इज़ बॉर्न फ्रॉम दी डेंस क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन की ये कन्वर्ट करती है किसको, हाइड्रोजन को हीलियम में। इजी चीजें हैं समझने के लिए, ठीक है। फिर ये यहाँ पर रिलीज करता है अपनी एनर्जी को, एमिट करता है लाइट को, और जैसे यहाँ पर जो स्टार है ये एग्जॉस्ट करते हैं अपना हाइड्रोजन
फ्यूल को ये एक्सपैंड हो जाते हैं और ये बन जाते हैं क्या, रेड जायंट. और इस फेज में दे ऑल्सो फ्यूजेस हीलियम इनटू हेवियर एलिमेंट्स जैसे कि आपका कार्बन और ऑक्सीजन. वहीं पर अगर हम स्मॉलर स्टार्स के बारे में बात करते हैं जैसे कि हमारा सन हो गया, तो वो क्या करता है, वो इवेंचुअली शेड करता है अपनी आउटर लेयर को और क्या बन जाता है, व्हाइट ड्वार्फ. जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है. इसके बाद यहां पर जो लार्जेस्ट स्टार्स होते हैं दे अंडरगो अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन. तो यहां पर आपको एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जैसे कि ये रहा जो लार्जेस्ट स्टार है वो आपको देखने को मिलेंगे कि वो आपके अंडरगो हो रहे हैं एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में, यानी कि एक्सप्लोड हो जाते हैं, ठीक है. जिसकी वजह से जो कोर्स है दे गेट कोलैप्स एंड दे रिलीव्स एन इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब ये एक्सप्लोजन या तो डिस्पर्स होगा, मतलब दिस एक्सप्लोजन डिस्पर्स हैवी एलिमेंट्स इनटू स्पेस एंड दे ऑल्सो मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार. अब यहाँ पे या तो फॉर्मेशन किसकी होगी, न्यूट्रॉन स्टार की या फिर एक ब्लैक होल की. तो इट्स वेरी क्लियर, ये आपकी लाइफ ऑफ साइकिल जो है, जो लाइफ साइकिल है स्टार की, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. उसके बाद रेड जायंट स्टार क्या है ये मैं आपको बता दूं, तो देखिए एक रेड जायंट स्टार जो है वो काफी बड़ा होता है, इट्स लार्ज एजिंग स्टार होता है, मतलब धीरे धीरे बूढ़ा होने वाला होता है, जो कि यहाँ पर एक्सपैंड हो चुका होता है, ठीक है. एंड इट इज बीन कूल डाउन कॉजिंग इट टू अपियर रेड इन कलर. तो इसका कलर भी कैसा हो जाता है, रेड, ठीक है. हमें इसका जो रंग है वो कैसा देखने को मिलता है, रेड. ऑल राइट, फिर इट अकर्स इन द लेटर स्टेजेस ऑफ अ स्टार्स लाइफ साइकिल, जो कि एग्जॉस्ट करता है अपना खुद का हाइड्रोजन फ्यूल एंड इट स्टार्ट बर्निंग हेवियर एलिमेंट्स. अब यहीं पर अगर हम बेटलग्यूज के बारे में बात करें, तो ये एक रेड जायंट स्टार है जो कि आपका लोकेटेड है इन द कॉन्स्टलेशन ओरियन. कॉन्स्टलेशन यहाँ पर आप लोगों को पता होंगे, ठीक है. और ये आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट स्टार है जो कि विजिबल है हमारी नेकेड आई से भी. अब इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स को कैसे पता चला कि किस स्टेज पर है अपनी, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने यहाँ पर सजेस्ट किया कि जो स्टेज है आपके रेड जायंट स्टार बेटलग्यूज की, उसके जो पल्सेशंस हैं उनको स्टडी करने के बाद, तो बेटलग्यूज जो है वो अंडरगो कर रहा है अपना पीरियोडिक एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हम सिमिलर होता है आपका टू अ बॉइलिंग पॉट विच इज रिलीजिंग स्टीम. बॉइलिंग पॉट देखा है आपने, जो कि यहाँ पर स्टीम को रिलीज करता है, विच कॉजेज वेरिएशन इन इट्स ब्राइटनेस. अब एनालाइज करने के बाद इन पल्सेशंस को रिसर्चर्स ने यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज बताई है कि जो स्टार है वो अपनी किस करंट स्टेट में है. ओके चलिए, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है. जो ये स्टार है इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी और बाकी जो लाइफ साइकिल होती है एक स्टार की वो भी समझ में आ गई होगी, ठीक है. अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो आप क्या करोगे, आप करोगे इसको लाइक, ठीक है, शेयर भी कर देना. बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू.